अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। समर सीज़न जो है वो टॉप पर है इस वक्त। सब गर्मी से बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं। उन्होंने एक अच्छी अच्छी स्मूदीज़, मिल्क शेक्स, इस तरह की चीज़ें चाहेंगी जिससे उनकी गर्मी भी दूर हो और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी पूरी हो जाएं। तो हम आड़ू, दही और दूध के साथ एक बहुत अच्छी सी स्मूदी तैयार करने जा रहे हैं जिसका मैंने नाम रखा है सनसेट डिलाइट। सनसेट डिलाइट इसलिए रखा है कि क्योंकि दोपहर को 12-1 बजे हम चाहते हैं कि सूरज जो है वो अपने पूरे जौबन पे होता है। हम चाहते हैं किसी तरह से ये सूरज हमारे सर से हट जाए। तो हमें जब ये स्मूदी हम पियेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसा एहसास होगा जैसे सन जो है वो गुरूब होने की तरफ जा रहा है। तो चले आए हम फिर तैयार करते हैं सनसेट डिलाइट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बना रहे हैं अपनी ड्रिंक, और ड्रिंक के लिए हमें चाहिए 2 कप दही और 1 कप दूध है। जितना दूध होगा आपने उससे डबल जो है वो दही लेना है। और 3 टेबलस्पून इसमें हम डाल रहे हैं शुगर। ये डिपेंड करता है कि आपका दही की मिठास कितनी है। अगर आपकी दही अच्छा मीठा है, और जो आड़ू हम इसमें डालेंगे अगर आड़ू भी अच्छे मीठे हैं, ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, तो फिर आप चीनी 3 चम्मच ले लें। अगर आड़ू आपके खटास की तरफ का जायका है या दही का थोड़ा सा खटास की तरफ जायका है, तो फिर आप अपने हिसाब से इसमें चीनी मज़ीद ऐड कर लीजिए। 2 बड़े हमने आड़ू बड़े साइज़ के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। हमने सब चीज़ें एक बॉल में हमने ऐड कर ली हैं, और अब हमें इसके लिए 1 कप आइस क्यूब्स भी चाहिए होंगे, लेकिन ये भी हम अभी ऐड नहीं करेंगे। आइस क्यूब्स को हम उस वक्त ऐड करेंगे जब हमारी ये वाली अच्छी सी स्मूदी तैयार हो जाएगी, और फिर हम उसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करके फिर 5-6 सेकेंड के लिए मज़ीद ब्लेंडर को चला देंगे, और उसके बाद हम उसको सर्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारी स्मूदी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, जो कि पीच के साथ, दही के साथ और दूध के साथ तैयार हुई है। इसका नाम है सनसेट डिलाइट। सनसेट डिलाइट का मतलब है कि ये आपको बहुत समर के लिए बहुत अच्छी है, और आपको गर्मी ना होने का एहसास दिलाती है। जब आप इसको पियेंगे तो आप बहुत सुकून महसूस करेंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है पीच में, और ए और प्लस मैग्नीशियम और आयरन, इसमें ये 4 एलिमेंट जो हैं ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा जब दही और जो दूध है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो जब हम ये सब मिला कर लेते हैं तो ये भी एक मल्टी विटामिन बन जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है। तो आप ये स्मूदी ज़रूर बना कर लें। आजकल आड़ू हर घर में पाया जाता है, तो आप आड़ू के साथ ये स्मूदी ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं, पूरी फैमिली को पिलाएं। क्योंकि जिस तरह से वायरस के लिए हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये हमारी उसमें हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे फ़ीडबैक कॉमेंट्स में आकर ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके बाद भी बहुत अच्छी सी और ड्रिंक्स आपको देने जा रही हूँ।